वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज हम लोग जो है पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को देखेंगे। और बेसिकली जो स्टेबिलिटी होती है, एक लिमिट होता है, किसी भी चीज़ को लिमिट करने की एक कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। और ये स्टेबिलिटी जो होती है, इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेटिंग पे, कि वो उतने तक, उस रेटिंग तक या फिर उस टाइम तक किसी भी कंडीशन को वो आसानी से मतलब सह सके, तो उसे स्टेबिलिटी बोलते हैं। हालांकि इसके लिए एक रेटिंग और टाइम दोनों हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पावर सिस्टम में अल्टरनेटर हुए, ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सारे स्विचिंग एलिमेंट जुड़े होते हैं, और किसी भी रीज़न से हमारा फॉल्ट हो सकता है। और जैसे ही फॉल्ट होगा तो उस केस में बहुत सारे डिस्टरबेंस आ जाएंगे पूरे मतलब सिस्टम में। तो उस सिस्टम में जब डिस्टरबेंस आ जाएंगे तो उनको मतलब सहने के लिए कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई फॉल्ट हो तो तुरंत ही हमारा मतलब सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाए या फिर आइसोलेटर स्विच ओपन हो जाए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कुछ सेकेंड या मिली सेकेंड के लिए होते हैं। तो उस केस में अगर हमारा कोई सिस्टम ओपन होता है तो हमारे लिए रिएबल नहीं है, उत्तम नहीं है उतना, हमारे लिए आना ही उतना अच्छा है, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो एक रेटिंग देंगे और एक टाइम फिक्स करेंगे, और उस रेटिंग और टाइम पे जो हमारा सिस्टम जो है उस पे वर्क करेगा, मतलब उस केस में अगर ट्रांजिएंट फॉल्ट आता है या फिर कोई भी फॉल्ट आता है, तो उस पर्टिकुलर रेटिंग और टाइम पे उसको टेक ओवर कर ले, तो उसे हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो सिंपल अगर बात की जाए पूरे स्टेबिलिटी के बारे में, तो अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो हमारा जो सिस्टम होता है लाइक अल्टरनेटर, तो सप्लाई सबसे पहले अल्टरनेटर ही देता है, और बीच में जो मीडियम होता है वो ट्रांसमिशन लाइन होता है, और बाद में हमारा जो होता है वो लोड होता है। तो हम कभी भी चाहेंगे कि हमारे पूरे ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी फॉल्ट हो, तो उस केस में हमारा जो है अल्टरनेटर जो है बिना मतलब ब्रेक डाउन हुए या फिर बिना सिंक्रोनिज्म खोए हमारा वर्क कर सके एक पर्टिकुलर टाइम तक। और उससे उस टाइम से अगर ज़्यादा देर तक हमारा फॉल्ट होता है या फिर क्लियर नहीं होता है, तो उस केस में अल्टरनेटर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली स्टेबिलिटी यही है कि एक टाइम मतलब लिमिट होना चाहिए और फॉल्ट को क्लियर मतलब टेक ओवर कर सके एक पार्टिकुलर टाइम पे। तो देखिए, पावर सिस्टम की एबिलिटी स्टेबिलिटी जो होती है एक तरीके का रिएबल होगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल जो है ये मतलब नॉर्मल कंडीशन जो है स्टेबल होगा, स्टेबल होगा मतलब हमारा कोई भी फॉल्ट होता है तो उस केस में हमारा अल्टरनेटर कुछ टाइम के लिए स्टेबल होगा, और पूरा सिस्टम ही स्टेबल होगा। उस जो पूरा सिस्टम स्टेबल होगा, वो जो टाइम होगा उस पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर रेटिंग पे जो हमारा स्टेबल होगा ये हमारा सिस्टम, उसी को हम लोग बोल देंगे स्टेबिलिटी। मतलब जब हमारे डिस्टरबेंस होगा तो उस केस में हमारा इस टेक ओवर करने के लिए पूरा पर्टिकुलर जो है उसको टेक ओवर करने के लिए सहने के लिए उसे क्षमता होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो बेसिकली स्टेबिलिटी जो होती है स्टेबिलिटी जो होती है बेसिकली जो होती है दो टाइप की होती है। पहला है हमारा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, और हमारा दूसरा है ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेबिलिटी है। तो बेसिकली दो टाइप की हमारा स्टेबिलिटी होती है, और स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। और बेसिकली जो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है, ये दो भाग में और डिफाइन हो जाती है हमारी। पहला है हमारा ये डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी है, और दूसरा है हमारा स्टैटिक स्टेट स्टेबिलिटी है। तो सबको पहले देख लेते हैं बेसिकली क्या क्या है हमारा। तो देखिए, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में जो हमारा फॉल्ट होगा तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, तो उसे हम लोग बोल देंगे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। मतलब कुछ टाइम के लिए होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा।
जैसे मतलब छोटा छोटा फॉल्ट होगा, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में ये है कि स्मॉल फॉल्ट होगा, बहुत छोटा छोटा फॉल्ट होगा, और ये जो फॉल्ट होगा मतलब 5 मिनट पे होगा या फिर 1 घंटे पे होगा, मतलब छोटा छोटा फॉल्ट होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और इस केस में हमारा जो सिस्टम है मतलब स्टेबल होगा, इस केस में अभी अनस्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल ओनली ट्रांजिएंट केस में होता है। तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में हमारा स्मॉल फॉल्ट होगा या स्मॉल डिस्टरबेंस होंगे, 3 मिनट, 1 मिनट, 5-10 मिनट या फिर मतलब कुछ मिनट पे होते रहेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और बेसिकली ये स्मॉल डिस्टरबेंस होता है, और ये स्मॉल डिस्टरबेंस 2 टाइप से होता है, पहला जो होता है वो स्पीड और दूसरा होता है फ्रिक्वेंसी। तो कभी कभी हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो हमारा प्राइम ओवर से मूव करता है, तो कभी कभी जो होता है प्राइम ओवर अगर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाए तो उस केस में हमारा फ्रिक्वेंसी भी स्लो हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी जैसे वरी करेगी तो बहुत सारे हंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, बाकी हमारा जो है हारमोनिक्स डेवलप हो जाएगा, तो कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये स्मॉल फॉल्ट है, तो इसमें स्पीड और फ्रिक्वेंसी का जो है मतलब देखने को मिलेगा आपको स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में। और सेकेंड हम बात करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी, तो इस केस में जो होगा हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस होगा और सबसे ज़्यादा लंबा मतलब फॉल्ट होगा, और जो मतलब लार्ज डिस्टरबेंस जो होगा हमारा ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में होगा। और इसका रीज़न वही है कि लोड जो है बार बार वेरी हो जाना, फिर स्विचिंग का बार बार ओपन होना, LG फॉल्ट होना, ट्रिपल, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डिस्टरबेंस होने का कोई भी रीज़न हो सकता है हमारा पूरे पावर सिस्टम में, चाहे फॉल्ट हो या लोड बार बार वेरी करे या लोड मैच आउट ना होना, कुछ भी हो सकता है। तो बार बार मतलब लार्ज डिस्टरबेंस होगा तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। और देखिए बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी का यूज़ जो होता है, हम लोग जो नया ट्रांसमिशन लाइन जो यूज़ करते हैं, मतलब जो प्लानिंग करते हैं कि हमें नया ट्रांसमिशन लाइन बनाना है, तो उस केस में यही इसी ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब नया पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन होगा तो कैसे कंडक्ट किया, मतलब प्लान होगा तो कैसे इसको वो करना है, कितनी स्टेबिलिटी रखना है, क्या डिज़ाइन करना है, सारा चीज़ इसी पे डिज़ाइन करते हैं हम लोग। और ये जो होता है इसके लिए हम लोग सिंग इक्वेशन का यूज़ करते हैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जो हमारे डिस्टरबेंस होते हैं ट्रांजिएंट केस में, ट्रांजिएंट केस में जो हमारा मतलब डिस्टरबेंस होता है सिंक्रोनस मशीन में, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अभी उसको आगे देख लीजिएगा, तो बेसिकली 2 पर्टिकुलर यही है, स्टडी का हमने देखा और इसका डिफिनेशन देख लिया। और देखिए हम डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी का थोड़ा सा देख लेंगे। डायनामिक स्टेडी स्टेबिलिटी में क्या है कि तो हमने देखा कि यहाँ पे जो डिस्टरबेंस होगा वो छोटा छोटा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा ट्रांजिएंट के केस में। तो अब बात करते हैं डायनामिक की बात, तो यहाँ पे भी देखिए स्मॉल ही मतलब यहाँ पे भी जो होगा वो छोटा छोटा डिस्टरबेंस होगा, और ये जो होगा वो 10 से लेके 30 सेकेंड के डिफरेंस पे होगा, मतलब बार बार होगा, और इसका भी रीज़न वही है फ्लक्चुएट लोड जो है बार बार वैरी करना, या फिर जनरेटिंग पॉइंट पे कुछ भी एग्जाइटेशन सिस्टम वैरी करना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो ये स्मॉल डिस्टरबेंस इसमें भी होता है। और इस केस में क्या होता है कि जो हमारा गवर्नर होता है और यहाँ पे हमारा ये पूरा सिस्टम है और ये आउटपुट है, तो इस सिस्टम में मतलब हम लोग कोई ऑटोमेटिक जो है कंट्रोलिंग यूज़ नहीं करते हैं डायनामिक स्टेट में। जैसे ये सिस्टम में हमारा टर्बाइन होगा और अल्टरनेटर, तो इनको पर्टिकुलर ऑटोमेटिक मतलब कोई कंट्रोलिंग हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी। और देखिए यहाँ पे स्टैटिक स्टेट स्टेबिलिटी में क्या है कि इसी सिस्टम में ये जो हमारा टर्बाइन या अल्टरनेटर है, इस सिस्टम में ये हमारा गवर्नर है और ये आउटपुट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक वोल्टेज मतलब कंट्रोलर लगाएंगे जिस टाइप का हो, और ये फीडबैक देगा, तो इसे हम बोल देंगे स्टैटिक स्टेट स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज हम लोग गवर्नर और ये क्या बोलते हैं कि टर्बाइन और ये अल्टरनेटर के लिए हम लोग कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग डिवाइस लगाएंगे, तो उसे हम लोग बोल देंगे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और डायनेमिक में हम लोग कोई ऑटोमेटिक मतलब नहीं लगाएंगे। तो बेसिकली यही है पूरा, मतलब इतने टाइप के होते हैं। अब थोड़ा सा इन सबों का बेसिक और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी मेनली यही क्लासिफिकेशन है, और टाइम का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये बहुत लॉन्ग मतलब लार्ज सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस इसी में होता है, और इसमें जो डिस्टरबेंस होता है वो मिनट के रेंज में लेते हैं हम लोग,
और यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग 10 से लेके 30 सेकंड के बीच लेते हैं। और इसका ये है कि यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक वोल्टेज या फिर ऑटोमेटिक कोई कंट्रोल डिवाइस यहाँ पे नहीं यूज़ होता है और यहाँ पे यूज़ होता है। तो टाइम का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर बनना होगा तो। बाकी और सारे पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी आगे से। तो पावर सिस्टम में पूरा हम जानते हैं कि कई सारे अल्टरनेटर जो होते हैं वो पैरेलल जुड़े होते हैं और एक साथ पावर को लोड का जो डिमांड होता है उसको मैच आउट कराते हैं। तो पूरे पावर सिस्टम में जो सिंक्रोनस मशीन होता है वो पूरे सिंक्रोनाइज होता है एक इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए। और जैसे ये मतलब सिंक्रोनिज्म फेल होता है तो उस केस में हमारा जो है स्टेबिलिटी डाउन मतलब वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है कि स्टेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली जो होता है अगर बेसिकली हम बात करते हैं ना तो जो स्टेबिलिटी होती है मेनली सिंक्रोनस मशीन पे ही डिपेंड होती है। वो इसकी जो मतलब अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो मेनली किस पे डिपेंड है तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो मेनली जो है हमारा मेनली डिपेंड ऑन सिंक्रोनस मशीन। अब ये सिंक्रोनस मशीन देखिए या तो सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है या फिर अल्टरनेटर भी होता है। तो हम जानते हैं सिंक्रोनस मोटर जो है पावर फैक्टर को करेक्ट करेगा बाकी यहाँ पे जो है अल्टरनेटर जो है पावर को सप्लाई करेगा। तो बेसिकली अगर बात की जाए स्टेबिलिटी जो है ना वो सिंक्रोनस मशीन पे डिपेंड होगा। और इसका एक हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अगर देते हैं सपोज ये हमारा एक ग्राफ है और ये जो है यहाँ पे हम टाइम की रिक्वायरमेंट को दिखाते हैं और यहाँ पे हम लोग आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बेसिकली यहाँ पे हम ग्राफ खींचते हैं और ये जो ग्राफ है ये स्टेबल का मतलब है कि इस केस में हमारा स्टेबल होगा पूरा सिस्टम। तो थोड़ा सा देखते हैं सपोज ये ग्राफ है ऐसे जा रही है तो देखिए इस केस से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ का ये स्टेबल ऑपरेशन है और यहाँ पे हमने देखा इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये दोनों ग्राफ देखिए यहाँ पे ऊपर गया इससे भी ऊपर गया। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ का जो एरिया है ना वो ट्रांजिएंट स्टेट है मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टरबेंस होता है हो रहा है। तो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी हो जाएगा ये जो डिस्टरबेंस है। और बाकी इधर देखिए ग्राफ जो है स्टेबल से नीचे है तो इसे हम बोल देंगे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे आप सिस्टम जो है हमारा स्टेबल होगा और यहाँ पे जो सिस्टम है वो हमारा अनस्टेबल होगा और यहाँ पे स्टेबल होगा। तो इसे बोल देंगे हम स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ग्राफ ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है या फिर अनस्टेबल कैसे होगा तो इसके कई रीज़न होते हैं। लोड बार बार फ्लक्चुएट करना फॉल्ट हो जाएगा एलजी या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट स्विचिंग का केस हो सकता है सर्ज इम्पीडेंस या सर्ज कुछ भी हो सकता है डिस्टरबेंस हमारा पूरा पावर सिस्टम किसी भी रीजन से डिस्टरबेंस हो सकता है। तो देखिए बेसिकली स्टेबिलिटी हमने देखा कि सिंक्रोनस मशीन पे डिपेंड होती है और स्टेबिलिटी से हम क्या क्या डिफाइन करते हैं हम देखें पिछले भी अब पीछे हमने देखा कि जो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी थी उससे हम लोग जो नया ट्रांसमिशन लाइन प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट देता है उसी पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो और सारे स्टेबिलिटी के बहुत सारे एडवांटेज हैं और ये जो होता है स्टेबिलिटी जो होता है एक तरीके से हेल्प करता है हमारा कि क्लियरिंग टाइम क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं रिले यूज़ करते हैं बहुत सारे मतलब पैरामीटर यूज़ करते हैं फ्यूज़ जो भी हो तो ये स्टेबिलिटी ये बताता है कि इन सर्किट ब्रेकर या भी जितने भी कंट्रोलिंग स्विच हैं इनका मतलब एक क्लियरिंग टाइम क्या होना चाहिए। तो वो क्लियरिंग टाइम जो होता है वो स्टेबिलिटी से ही रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ही बताता है कि सर्किट ब्रेकर या भी जितने भी कंट्रोलिंग स्विच हैं उनका क्लियरिंग टाइम क्या होना चाहिए या उनका वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए कितने पे वो कट ऑफ करना चाहिए कितना टाइम तक उसको टेक ओवर करना चाहिए या फिर कितने पावर को हैंडल करना है कितना भेजना है। तो ये सारी स्टेबिलिटी के ही अंतर्गत आता है। तो स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पूरे सिस्टम में। तो बेसिकली देख लीजिए स्टेबिलिटी के बहुत सारे मतलब बेनिफिट हैं। अब हम बात करते हैं सपोज एक छोटा सा चीज़ देखते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में यही है बेसिकली कि हम लोग जो यूज़ करते हैं स्टेबल केस में तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। और ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे पावर सिस्टम में डिज़ाइन करने के लिए इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ये मैक्सिमम पावर जो होगा वो ट्रांसफ़र करेगा बिना किसी सिंक्रोनिज्म फेल हुए या बिना किसी लॉस के।
तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। हम जानते हैं पूरे सिस्टम में हमारा ये जनरेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, और मतलब ये जनरेसिंग पॉइंट है और ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, और यहाँ पे हमने मोटर लगाया है। सपोज ये जो है जनरेटिंग स्टेशन है और ये हमारी पूरी ट्रांसमिशन लाइन है, और ये हमारा लोड है। हमने जनरेशन से वोल्टेज बनाया, यहाँ पे ट्रांसमिट किया और यहाँ मोटर से हमने यूज़ किया। तो इस केस में हमारे ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे पैरामीटर, इंडक्टेंस रिएक्टेंस होंगे, एडमिटेंस। तो उस केस में जो पावर होता है हमारा, वो मैक्सिमम पावर के लिए हमें एक फार्मूला है, ये VG का मतलब जनरेटर का वोल्टेज, और यहाँ VM का मतलब मोटर का वोल्टेज, और हम यहाँ पे रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगे नीचे, और यहाँ पे साइन अल्फा को दिखा देंगे। और साइन अल्फा जो है ये लोड एंगल है, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे देखिए साइन एंगल, ये जो मतलब एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। यदि 90 से ज़्यादा होता है तो हमारा फिर से सिंक्रोनिज्म जो है फेल हो जाएगा और स्टेबिलिटी हमारी डाउन हो जाएगी। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो एंगल है, या पावर एंगल बोलिए, टार्क एंगल, कई सारे नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये 90 होना चाहिए और मैक्सिमम पावर जो है 90 पे मिलेगा। कभी भी नहीं चाहिए हमें कि 90 से ऊपर लेके जाना चाहिए, और जैसे 90 से ऊपर जाएगा हमारा सिस्टम जो है डैमेज मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। और ओवरऑल जो पावर होगा इन सब का, जो पावर होगा बेसिकली मोटर का पावर और ये जनरेटर का पावर होगा, और बेसिकली जो लॉस होगा, और उसी लॉस पे हम लोग इसकी जो मैक्सिमम पावर की रेटिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये एक फार्मूला है, यहाँ से आप बता सकते हैं कि कितना पावर मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम अभी देखेंगे कि इन सारे स्टेबिलिटी अगर डाउन होती है तो कैसे इम्प्रूव करना है, ये लास्ट में देखते हैं। फिलहाल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो हमने अभी देखा था कि जनरेटर और मोटर कैसे अपना पावर का वो करते हैं। तो सपोज़ एक ग्राफ है, ये हमारा जनरेटर है और ये हमारा मोटर है, ये जनरेटिंग मोड बोलेंगे, और ये हमारा अगर माइनस होता है तो इसे हम लोग मोटरिंग मोड बोलेंगे। तो इस केस में देखिए, अगर सपोज़ हम अगर बात करते हैं, ये हमारा अल्टरनेटर है और अल्टरनेटर का ये स्टेटर है, और यहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटर को। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटर के कारण जो हमारा MMF रिप्रेजेंट होगा, उसको हम लोग ये स्टेटर के कारण ले लेते हैं, और रोटर का भी खुद का एक MMF होगा, तो हम इसे ऐसे ले लेते हैं। और स्पेस एंगल जो होता है दोनों के MMF के भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और यही एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, जिसे हम लोग लोड एंगल, पावर एंगल या कुछ भी एंगल बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसी से हम लोग, हमने अभी पिछला देखा था कि मैक्सिमम पावर के लिए हमें जो साइन का अल्फा मतलब जो लोड एंगल है उसे हम लोग पर्टिकुलर 90 डिग्री सेट करना है। 90 से ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी फिर से डाउन हो जाएगी, तो हम कभी भी 90 पे चाहेंगे। सपोज़ अगर हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टम है और हमें सपोज़ हमारा अल्टरनेटर है और हमें चाहिए 500 मतलब मेगावाट की लोड को मैच आउट कराना है। तो अभी मतलब हमारा सपोज़ 300 पे मेगावाट पे हमारा अल्टरनेटर जो है अभी लोड को मैच आउट करा रहा था, लेकिन अचानक 300 से हमारा 500 का अगर लोड आता है तो उस केस में हमारा जो है स्पीड बहुत तेज़ होना चाहिए, ताकि इस टाइम को मिली सेकेंड या फिर कुछ मतलब बहुत ही कम टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाए, और ताकि लोड हमारा मैच आउट हो जाए और जो है हमारा स्टेबिलिटी जो है पूरे सिस्टम की बनी रहे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो क्योंकि हमारा स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है हम जानते हैं रेटिंग और टाइम पे डिपेंड होता है। जो हम लोग रेटिंग देंगे, जो हम लोग टाइम देंगे, उसी पे हमारा स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही अपने एक इनिशियल पॉइंट से इधर उधर हुआ, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो इस केस में हम देखिए, ये जो है 90 डिग्री है और हम मैक्सिमम पावर जानते हैं कि 90 डिग्री पे मिलेगा। ये लोड का एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पावर का एंगल है, ये हमारा लोड का एंगल है और ये पावर का एंगल है। तो किस लोड के एंगल पे कितना पावर मिलेगा हम देख लेते हैं। सपोज़ ये देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में देखिए हमारा मैक्सिमम पावर मिलेगा, लेकिन 90 से जैसे हम आगे जाएंगे तो इस केस में देखिए हमारा पावर क्या हो गया, डाउन हो रही है। मतलब जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे पावर डाउन हो जाएगा और स्टेबिलिटी हमारी जो है अनस्टेबल हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम। तो यानी गैप आ जाएगा, अगर सपोज़ ये 300 मेगावाट मैच आउट करा रहा था, 500 मेगावाट जो है 90 डिग्री पे इसने मैच आउट किया,
और इससे हमने लोड का एंगल बढ़ा दिया, तो इस केस में हमारा क्या होगा, सिस्टम पावर भी डाउन हो जाएगा और इस केस में हंटिंग भी हो जाएगा हमारे अल्टरनेटर में, तो हमारा सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है लोड का एंगल 90 डिग्री रखना है या 90 से कम रखिए, ये डिपेंड करता है कि साइलेंट पोल है या सिलिंड्रिकल पोल है। तो देखिए साइलेंट के लिए हम लोग जो है 90 डिग्री यूज़ करते हैं, नॉन साइलेंट के लिए हम लोग 90 से कम यूज़ करते हैं। इस पर क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूज़न करता है हमें, हालांकि इस टाइप का जो है हम एक वीडियो बना के, मतलब वीडियो बना हुआ है इस पर कि किसके लिए 90 होना चाहिए और किसके लिए 90 से कम होना चाहिए। तो ओवरऑल यही जो है लोड का एंगल जो है हमारा, यही रोटर जो है, यही हमारा मैच आउट डिमांड जो है मैच आउट करेगा। स्टेटर तो मूव करता नहीं है, रोटर ही मूव करता है। तो बेसिकली यही जो है हमारा जो है लोड एंगल, यही बेसिकली लोड को मैच आउट कराता है और पूरे सिस्टम को स्टेबल रखता है। तो स्टेबिलिटी जो है पूरा अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर ही है, मशीन ही है जो हमारे पूरे सिस्टम को स्टेबल रखता है। तो थोड़ा सा हम लोग इनर्शिया कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं, और इनर्शिया कांस्टेंट जो होता है उसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ये अल्टरनेटर है इस रोटर में कितना काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। अब इसकी रेटिंग कुछ भी हो, इस सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग हमें नहीं पता है, तो रेटिंग कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर रेटिंग पे इस रोटर की क्या काइनेटिक एनर्जी है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया कांस्टेंट, और ये होता है एच। इनर्शिया कांस्टेंट बराबर होता है स्टोर काइनेटिक एनर्जी, स्टोर काइनेटिक एनर्जी, और अपान होता है हमारा रेटिंग अल्टरनेटर या रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर। तो बेसिकली जो होता है हमारा कितनी रेटिंग पे कितना काइनेटिक एनर्जी जो हमारा ये स्टोर करेगा और कितना लोड को कैपेसिटी है इसकी मैच आउट कराने की, ये सारा चीज़ यही डिसाइड करता है, और लोड एंगल का जो वेरिएशन है यही बेसिकली डिसाइड करता है। तो इनर्शिया कांस्टेंट का फार्मूला आप लोग निकाल लीजिएगा, हालांकि उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बेसिकली जो इनर्शिया कांस्टेंट होता है अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं या फिर सिलिंड्रिकल रोटर की बात करते हैं, तो सिलिंड्रिकल के लिए देखिए 4 से लेकर 10 यूज़ करते हैं हम लोग, और साइलेंट पोल अगर यूज़ किया गया है, साइलेंट पोल के लिए दो है, 2 से लेकर 4 यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है हम जानते हैं, सिंक्रोनस मोटर जो है नो लोड पे हम लोग यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, तो सिंक्रोनस मोटर के लिए आप लोग ले लीजिएगा 1 से लेकर 2 हम लोग लेते हैं सिंक्रोनस मोटर के लिए। तो और बेसिकली यदि हमारा अल्टरनेटर, हम जानते हैं बहुत सारे अल्टरनेटर जो हैं जुड़े होते हैं, बेसिकली सब उसका आप ग्राफ देख लीजिएगा सब स्टेशन का, या फिर जो बस बार का अरेंजमेंट मैंने बताया था, तो बहुत सारे अल्टरनेटर हमारे मतलब इकोनॉमिकल के लिए पैरेलल जुड़े होते हैं। तो यदि अल्टरनेटर जो है लोड को मैच आउट कराने के लिए एक साथ स्विंग करते हैं, यानी एक साथ पावर को मैच आउट कराते हैं, तो उस केस में इनर्शिया कांस्टेंट जो होगा एच बराबर N1+S2 हो जाएगा, ये अल्टरनेटर वन और ये अल्टरनेटर सेकेंड के लिए है। लेकिन अगर वो जो है क्या बोलते हैं एक साथ स्विंग नहीं करते हैं, एक साथ मैच आउट नहीं करा पाते हैं, टाइम का कुछ वेरिएशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/H/1 पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा सिंपली अगर समझिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यदि एक साथ स्विंग होगा तो इक्वेशन क्या होगा, अगर एक साथ स्विंग नहीं होगा तो क्या इक्वेशन होगा, तो इसको देख लीजिएगा। और देखिए एच का मान जितना ही होगा सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, बेसिकली ये भी क्वेश्चन बनता है, यानी इनर्शिया कांस्टेंट की वैल्यू अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। इसको भी आपको पूछ सकता है, इनर्शिया कांस्टेंट का मान दे देगा 2, 4, 10, 20, तो उसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा होगा उस पर आपको ट्रिक करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, बेसिकली देखिए जो भी हेडिंग पढ़ते हैं आप उसको वहाँ से अपने आप से खुद से क्वेश्चन माइंड में सेटअप कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में किसी बुक के बेसिकली थ्योरी से ही बनते हैं, हालांकि जो मार्केट में बुक है वहाँ से नहीं उतना बनता है, लेकिन आप जो हेडिंग पढ़िए खुद से आप क्वेश्चन को इम्प्रूव कीजिए, खुद से डिज़ाइन कीजिए, तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। तो ओवरऑल हमने ये बात कर ली, अब हम थोड़ा सा यदि हमारा सिस्टम जो है डाउन होता है, स्टेबिलिटी डाउन होती है, तो उसके लिए क्या क्या हमें मेथड यूज़ करने चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, तो उन थोड़ा मेथड्स को हम लोग देखते हैं। तो इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी, तो इम्प्रूव करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी को। तो पहला है हाई वोल्टेज डीसी लिंक यूज़ कर लीजिए आप लोग। हाई वोल्टेज डीसी लिंक यूज़ करने का बहुत सारे एडवांटेज मैंने अभी
पिछले वीडियो में बताया ही था कि इससे क्या क्या लॉसेज नहीं होंगे, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो सारे लॉस नहीं हुए तो स्टेबिलिटी भी नहीं, अरे मतलब फॉल्ट नहीं होगा, और जब फॉल्ट नहीं होगा तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो पहला यही है कि हाई वोल्टेज डीसी लिंक यूज़ कीजिए कंपेयर टू ए हाई वोल्टेज एसी के, मतलब वो उतना स्टेबल नहीं है। और सेकेंड अगर बात करते हैं तो हमें जो है रिएक्टेंस, हमारा जो सिस्टम, हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंस के, और रिएक्टेंस को अगर आपको डाउन करना है तो या तो आप कंडक्टर को बंडलिंग कर लीजिए या फिर सर्किट को पैरेलल यूज़ कीजिए। ये सपोज़ हमारा ये सर्किट है, यहाँ से हमने बिजली बनाया और ये ट्रांसमिशन लाइन है, हमने पैरेलल यूज़ किया ट्रांसमिशन लाइन को, और ये हमारा लोड को मैच आउट कराने के लिए हम दे देंगे। तो देखिए रिएक्टेंस को आप डाउन करने के लिए हमें बंडलिंग यूज़ कर लीजिए या तो फिर पैरेलल सर्किट बना लीजिए। तो रिएक्टेंस डाउन हो जाएगा तो हमारा जो पावर है मैक्सिमम पावर हमारा इम्प्रूव होने लगेगा। तो सेकेंड है, अगर हम तीसरा बात करते हैं तो फास्ट वॉल्विंग सिस्टम होना चाहिए हमारे जनरेशन इन पे, मतलब जो भी कंट्रोलिंग हो बहुत फास्ट हो, रेटिंग मतलब जो डिज़ाइन किया गया है उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो फास्ट सिस्टम होना चाहिए हमारा जो हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे, एसी मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग के लिए जो भी यूज़ करेंगे। और या फिर चौथा अगर बात करते हैं तो फास्ट रिले सिस्टम यूज़ होना चाहिए हमें, जो भी सिस्टम हम लोग यूज़ करेंगे वो फास्ट होना चाहिए। और पांचवा अगर बात करते हैं तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो थोड़ा सा पैरेलल यूज़ करेंगे हम लोग सर्किट ब्रेकर। ये सपोज़ ये सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे हमने चार सर्किट ब्रेकर यूज़ किया है, ये जनरेटिंग पॉइंट है और ये हम लोड को दे देंगे। ये सर्किट ब्रेकर वन और ये दूसरा, ये तीसरा पैरेलल में हमने यूज़ किया ताकि यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है तो यही सर्किट ब्रेकर ओपन हो, ये वाला सिस्टम जो है हमारा बना रहे और यहाँ से हमारी सप्लाई जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इस केस में हम पैरेलल सर्किट में पैरेलल जो है हम कई सारे सर्किट ब्रेकर यूज़ कर लेंगे तो हमारा सिस्टम जो है कभी ब्रेक नहीं होगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये हमारा छठवां मेथड था। अगला मेथड हम लोग देखते हैं, तो अगला मेथड है हमारा पांचवा या छठवां, कुछ भी हो पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग सीरीज़ कैपेसिटर यूज़ करेंगे, सीरीज़ कैपेसिटर यूज़। और सीरीज़ कैपेसिटर जैसा कि हमने बताया है कि पावर ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है हमारा सीरीज़ कैपेसिटर। और इसकी ये जो होता है ये कौन फुलफ़िल करता है, ये हमारा जो है सिंक्रोनस मोटर फुलफ़िल करता है। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग नो लोड पे फुल एक्साइटेशन करके अगर चलाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। और पावर जो होता है मैक्सिमम पावर का फार्मूला हमने देखा था ई वी अपन सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये हमारा लीकेज और एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर होगा। और जैसे सीरीज कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरा रिएक्टेंस डाउन हो जाएगा और ये जो पावर है हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। आठवां पॉइंट है हमारा बंडलिंग कंडक्टर यूज़ कर लीजिए। पीछे अभी हमने बताया था बंडलिंग कंडक्टर जैसे आप यूज़ करेंगे तो उस केस में जो इंडक्टेंस होगा वो डाउन हो जाएगा, और एक्सएल बराबर होता है 2π × FL, और एक्सएल एल जैसे डाउन होगा तो एक्सएल डाउन हो जाएगा, और एक्सएल जैसे ही डाउन होगा तो ये पूरा सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक तरीके का एक्सएल ही है ये डाउन हो जाएगा और फिर से हमारा पावर इम्प्रूव हो जाएगा। नौवा पॉइंट या दसवां कुछ भी हो, तो इस केस में हम फास्ट ब्रेकिंग और ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे कि हमारा फास्ट पावर ब्रेक हो, ट्रिप हो सर्किट ब्रेकर। और मतलब कोई भी सिस्टम यूज़ कीजिए तो उसको फास्ट यूज़ करेंगे। टरबाइन जो है वो हमारा जो गवर्नर है वो ईजिली हमारा मेंटेन कर सके, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से मतलब हमारा, क्योंकि देखिए बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए टाइम बहुत ही रिक्वायरमेंट है, टाइम का थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो स्टेबिलिटी हमारी डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली इसे ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और है, हमारा ये तीन फेज़ होता है पूरे सिस्टम में, तो हम पर फेज़ को ग्राउंडिंग कर देंगे ताकि कोई सिस्टम में फॉल्ट हो तो पूरा हमारा ग्राउंड को पाथ कंप्लीट हो, मतलब उसी फेज़ का हमारा सर्किट जो है ट्रिप करे, बाकी और सारे फॉल्ट पे हमारा इफेक्ट ना पड़े, स्टेबिलिटी बनी रहे, कंटिन्यूटी जो है ब्रेक ना हो, मतलब जो सप्लाई दिया जा रहा है वो हमारा बना रहे। तो स्टेबिलिटी के बहुत सारे, ये लंबा टॉपिक हो सकता है अगर इसे अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये फालतू का टॉपिक है एक तरीके से, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन इसमें बहुत सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो इसका कंसेप्ट है यही है,
बाकी अगर इसका कुछ उतना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, बाकी और सारे इसके मतलब इस पे लेक्चर तो आदमी 5-10 घंटा भी दे सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बेसिकली जो पॉइंट है यही है, आप इतने को ही समझिए। और कंपटीशन में एग्ज़ाम जो बन सकते हैं यही क्या क्या बनेंगे उसको मैंने सारा बता ही दिया है। तो पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी से बस इतना ही था। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।